देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा वो अब अगले एक दो दिन में तय हो जाएगा। जो सर ने अभी बताया था कि विधायक दल की बैठक होगी, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया जी। जो अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सारा जीवन उसने ईमानदारी से जिया है, सारी नौकरियां छोड़ दी, सरकार को एक बारी छोड़ दिया, ऐसे अरविंद केजरीवाल पे एक लांछन लगा है। लांछन क्या है कि इन्होंने घोटाला करके बेईमानी करी है। कोई भी ईमानदार आदमी इस देश का ये कैसे बर्दाश्त करेगा उस पे जो लांछन लगा है। तो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का मोह नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने ये तय किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे, अग्नि परीक्षा के रूप में वो जनता के बीच में जाएंगे। जनता तय करेगी अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है या बेईमान है। अगर तो जनता को लगता है वो ईमानदार है तो उनको वोट दे देंगे, अगर जनता को लगता है वो बेईमान है तो फिर वोट नहीं देंगे। और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का पद तभी लेंगे जब जनता कहेगी उनको और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देगी। तो वो अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने ये रिजाइन किया। मुझे लगता है आपको सोचने वाली बात यह है कि आज ये परिस्थिति आई क्यों। जिस आम आदमी पार्टी ने इतनी बहुमत से सरकार बनाई है, साधारण साधारण लोगों ने सरकार बनाई है, ऐसा क्या हुआ कि आज ये परिस्थिति आई कि अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन करना पड़ गया। पहला प्रश्न ये है, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य दर राज्य गुंडागर्दी से, तानाशाही से, पैसे के दम पे सरकारें तोड़ते आ रहे हैं। ना किसानों का सम्मान है, ना जवानों का सम्मान है, ना माँ बहनों का सम्मान है। इनको पैसे का अहंकार है, पावर का अहंकार है। तो इनके अहंकार के कारण, इनकी गुंडागर्दी के कारण दिल्ली की जनता सफर कर रही है आज। और आज अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देने की क्या जरूरत थी, वो तो कोर्ट ने उन्हें कर दिया है बरी। बाकी सारी चीजें भी रफा दफा चार दिन में हो जाएगी, लेकिन फिर भी दिया क्योंकि हरियाणा का लाल है, कट्टर ईमानदार है, अपनी छाती पे एक भी दाग लेके वो जीना नहीं चाहेगा।